जी दोस्तों, गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं इस वक्त बिश्केक से दोबारा हाजिर हूँ। एक्चुअली साइकिलिंग और वॉकिंग तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन व्लॉग्स में इसको कवर काफ़ी अर्से से नहीं किया है। तो अब क्योंकि गर्मियों का सीज़न ख़त्म हो गया है, दोबारा जो है बिश्केक की गलियां खजा रसीदा पत्तों के ज़रिए इसका जो कलर है वो डिफरेंट होने लगा है, तो मैं आपको ये खूबसूरती बिश्केक की दिखाना चाहता हूं। और फिर अपने बेटे के साथ एक दफ़ा और साइकिलिंग का ये व्लॉग आपको दिखाना चाहता हूं। तो अगर आपको याद हो, कोई एक या दो साल पहले मैंने अपने बेटे के बड़े बेटे के साथ इसी रोड पे साइकिलिंग करके मैंने आपको दिखाया था, और एक बात भी बताई थी, उन लोगों से मुखातिब हुआ था जिनके बच्चे उस वक्त मेरी बच्चों के एज के थे, यानी के 9 साल और 10 साल के बच्चे जब आपके होते हैं तो वो आपके साथ काफ़ी उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। और उस वक्त आप ख़ासकर बच्चों को जहाँ भी आप जाते हैं वॉकिंग पे या साइकिलिंग पे या किसी भी आउटिंग आउटसाइड एक्टिविटी पे, तो आपके बच्चे आपके साथ हों तो आपको ख़ुद भी अच्छा लगता है और आपके बच्चे भी उससे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं आपसे। और जो माँ बाप और बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो उसके बाद तकरीबन अब मेरा बेटा जो है वो 13 साल कंप्लीट करने वाला है, 14 साल में कदम रखेगा। अभी तो टीन एज में मैंने ये देखा है कि बच्चों के जो प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था एज़ ए पेरेंट। तो जब बच्चे 12-13 साल को क्रॉस करते हैं तो वो फिर थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और इस टाइम पे बच्चे ज़्यादातर अकेले अपने एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, कुछ पुराने दोस्त कुछ नए दोस्त, फिर उनके साथ उनकी अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। कभी वो मूवी देखने के लिए जाते हैं, कभी वो फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो खैर, मेरा तजुर्बा ये रहा है कि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा इमाद और असनाद को, मेरे दोनों बड़े बच्चों को अपने साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। वो बहाने करते हैं कि पापा आप जाओ, हम ज़रा फुटबॉल खेलते हैं या कुछ और करते हैं या बिज़ी हैं, कोई भी बहाना करके वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये अच्छी बात है कि वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और उनको उनका अपना स्पेस मिलना चाहिए, मैं इस बात के हक में हूँ, लेकिन एज ए पेरेंट एक फिर ये खदशा भी रहता है कि आपके बच्चे आपसे आहिस्ता आहिस्ता जो है दूर हो जाते हैं। तो खैर, मैंने आज इमाद को कन्विंस किया है कि चलो थोड़ी पुरानी यादें वापस लेके आते हैं, मेरे साथ साइकिलिंग पे आ जाओ। तो वो इस वक्त मेरे साथ साइकिलिंग कर रहे हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। कम, यहाँ बच्चे स्कूटी के साथ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये कितने खुश हैं। बिश्केक एक ऐसा शहर है कि जहाँ बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं कि कोई स्कूटी लेके, कोई साइकिल लेके, कोई तरह तरह की चीज़ें लेके, अगर वो ना भी हो तो पैदल भी आप जो है अपना ट्रेवल इंजॉय करते हैं। तो ये नज़र आ रहा है आपको, मेरा बेटा थोड़ा सा
अब स्पीड में मैं इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। हाय मात, चलो बाबा चलो, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, गुड जाता है, वेरी गुड। तो ये है इमाद अली, मेरा बड़ा बेटा। तो साइकिलिंग आज हम दोबारा कर रहे हैं, ये शाम का वक्त है, करीब 7:30 बज चुके हैं और हम अलर्चा की पहाड़ियों की तरफ साइकिलें चलाते हुए निकले हुए। साथ रहिए और इन्जॉय कीजिए। जी दोस्तों, ये शाम की तारीकी छा रही है अभी, लेकिन बिश्किक के खूबसूरत गलियों में इस टाइम पे भी या रात के किसी भी पहर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स और साइकिलिंग ट्रैक्स बहुत ही फेवरेबल हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और फिर ऊपर से मौसम, तो ये बच्चे अचानक सामने आ रहे थे, मैंने उनको अलर्ट किया है। तो जी, तो बहुत ही खूबसूरत समा है शाम का, बिश्किक का ये अलर्चे की तरफ जाने वाला रास्ता है, जिस पर मैं अक्सर व्लॉग्स करके आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर वो व्लॉग्स मैंने या तो सुबह के टाइम पे किए हैं या दिन के टाइम पे। ये पहला व्लॉग होगा जो शाम के औकात में, अंधेरा छाने के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आ जाओ पापा, यहाँ इमाद मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो बहुत ही प्यारा समा है, दाएं जानी पिए आप देख सकते हैं कि बहुत सी खूबसूरत ग्रीन साइड है रोड से बाहर। इसके पीछे अलर्चा दरिया बहता है, लेकिन इसके किनारों किनारों को इस तरह खूबसूरती से बनाया गया है और सजाया गया है कि ये सिटी की खूबसूरती में ये चीज़ें इजाफा करती हैं। यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे और लूप बनाते हुए वापस अलर्चा शॉपिंग मॉल की तरफ जाएंगे हम। ये दरिया ब्यूटीफुल, ये देखें, साइकिलिंग करने वाले लोग यहाँ रेस्ट करके सस्ता रहे हैं। इस साइकिलिंग ट्रैक के दोनों तरफ सदाबहार दरख्त, ऊंचे ऊंचे दरख्त आप देख सकते हैं। और ये दाएं साइड पे जो मैदान है, ये किसी ड्राइविंग स्कूल का जो है प्रैक्टिसिंग ग्राउंड है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ ड्राइविंग सिखाई जाती है इस ग्राउंड में। यहाँ से आगे जाके थोड़ा ऊपर साइड की पे आप जाएंगे तो ये यहाँ किर्गिस्तान की जो फौजी रहने वाले जगह है, तरह से इलीट लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ से राइट हम मुड़ेंगे वापस नीचे सिटी की तरफ। तो यहाँ पे अभी इन्होंने किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने नया जो वाइट हाउस बनाया है, जिसको प्रेसिडेंसी भी कहते हैं, वो इधर है। और ये आप देख सकते हैं कि साइकिलिस्ट बड़े मज़े से
जी माँ आ जाओ दादा। एक मिनट लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं इस बिल्डिंग का। जी दोस्तों तकरीबन कोई 30 मिनट्स के साइकिलिंग के बाद अब हम फाइनली आए हैं इंतमख पार्क, जो कि एक मशहूर पार्क है यहाँ बिश्किक में। बिश्किक जो शहर है इसके साउदर्न पार्ट पे है, जुनूबी साइड पे, जहाँ अलर्चे की तरफ आप जाते हैं तो इस रास्ते पे आपको मिलता है। इसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ बोटनिकल गार्डन भी है, बहुत ही घना, उसमें दरख्त हर किस्म के फलदार गैर फलदार दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये पार्क नया पार्क है, एक दो साल पहले बनाई गई है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और शाम में ख़ासकर यहाँ रौनक रहती है, तो आज थोड़ा सा रश कम है क्योंकि हम जल्दी आए हैं। लेकिन आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस पार्क में अब ख़ज़ां का मौसम छाने लगा है, वरना गर्मियों में ये बहुत ही खूबसूरत फूलों से लदा हुआ पार्क होता है। अभी आपको बताता हूँ, ये आप देख लीजिए, ये गुलाब के फूल मुरझा रहे हैं, एक दो रह गए हैं जो जिनके अंदर थोड़ी सी रमक बाकी है, बाकी फूल मुरझा रहे हैं इस पार्क में। तो अब ये सर्दियों के शुरू होने से पहले का मंज़र है इस पार्क का, और कुछ अरसे के बाद हो सकता है इसी महीने या अगले महीने बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी और ये पार्क एकदम सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ होगा। लेकिन गर्मियों में अप्रैल के महीने के बाद ये जो पार्क है ये देखने वाली चीज़ होती है। यहाँ से जब आप गुज़रते हैं या यहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारने के लिए आप अपने फैमिली के साथ आते हैं या शाम के वॉक्स के लिए आते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत पार्क है। इसके अंदर बैठने की जगह, एंजॉय करने के लिए, बच्चों के खेलने की जगह, हर चीज़ अवेलेबल होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जंपिंग कैसल्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बैठने के लिए इस तरह यहाँ पर बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ की किर्गिज़स्तान की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं या पब्लिक गुड के लिए जो पार्क्स वगैरह जो जगह बने हुए होते हैं ये प्रॉपरली मेंटेन होते हैं और यहाँ तोड़ फोड़ लोग नहीं करते हैं। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे वहाँ ये आदत है कि इस तरह का बेंच अगर किसी ने देख लिया तो या तो उसकी सफाई नहीं होगी, या तो उसको तोड़ देंगे, या फिर उसके ऊपर चॉकिंग शॉकिंग करेंगे, थूकेंगे आसपास, गंदा करके छोड़ देते हैं। यहाँ ये वाली सीन नहीं है। इमाद आर यू एंजॉयिंग दादा? तो ये इमाद है और हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पार्क के अंदर भी साइकिलिंग करते हैं, और हो सकता है मैं थोड़ा शाम का वॉक भी या थोड़ी रनिंग करके उसके बाद फिर हम दोबारा साइकिलें लेके अपने घर की तरफ निकलते हैं।
ये दोस्तों तकरीबन 5-6 किलोमीटर के बाद, 6 किलोमीटर और करने के बाद हम वापस जा रहे हैं अपने घर वाले रास्ते से। इस जो साइकिलिंग ट्रैक है इस पे आज थोड़े से लाइट्स कम हैं, लेकिन फिर भी रोशनी काफ़ी है, लेकिन जो ट्रैक पे जो लाइट्स हैं वो आज नहीं चमक रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, हो सकता है कोई लाइट वाइट का कोई इशू हो, वरना ये जो ट्रैक है ये बहुत रोशन होता है रात को। और ये मेरे बराबर में एक स्टोर है, बड़ा सा स्टोर जिसको मॉल भी कहते हैं हम। तो ये जो साइकिलिंग है वो मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, ये तफरी के साथ या इंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन जो भी इसको आप कहें, इसके साथ साथ आपके हेल्थ के लिए, आपके जिस्मानी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। और ये अगर आप, और ये अफोर्डेबल भी है, मुश्किल नहीं है, बस आपने साइकिल ख़रीदनी है, उसके बाद आपको ना फ्यूल चाहिए ना कुछ और, जस्ट गेट ऑन टू योर साइकिल एंड कीप पुशिंग पेडल्स, दैट्स इट। तो आज मैंने मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 400-500 के करीब कैलोरीज भी बर्न कर लिए हैं शायद, तो एक अच्छी एक्टिविटी, एक खूबसूरत शाम और एक फ्रेश दिमाग के साथ मंडे के लिए आप रेडी। तो यहाँ से आप गरीब हल्दन व्लॉग्स को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग में फिर आपको मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमसे बात भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।